क्वेश्चन इज फॉर यू कि आपके और फैजू की केमिस्ट्री को तो हालांकि पसंद किया ही जाता है और आपके फैंस आपको साथ में देखना भी चाहते हैं, लेकिन अगर आपको किसी और के साथ फैजू को पेयर अप करना हो तो वो किसके साथ आप पेयर अप करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक फैजू के साथ और कौन बहुत अच्छा लगेगा? आई थिंक रितिका बहुत अच्छी लगेगी फैजू के साथ, बिकॉज फैजू लंबा है, तो इसके साथ मुझे शूट करने में बस यही प्रॉब्लम होती है कि मुझे हर टाइम ही पहन के रहना पड़ता है, वरना मैं बहुत ज़्यादा छोटी लगती हूँ. सो आई थिंक रितिका एंड फैजू विल मेक अ वेरी गुड पेयर, और ऑल्सो अश्नू, बिकॉज शी इज ऑल्सो टॉल एंड दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी लगेगी. तो आई थिंक अश्नू या रितिका. I would like to know from you कि if this is a hypothetical situation तो नहीं कह सकती क्योंकि already ऐसा हो सकता है, but अगर दुनिया की सबसे hottest लड़की का attention आपके ऊपर है तो उस वक्त आपका reaction और आपका 10 सेकंड में उसे reply क्या होगा? ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो मैं इसका कुछ reply बता नहीं सकता हूँ आपको. सेम reply दे रहा है, ऐसा नहीं होता है. आंसर तो दो क्वेश्चन का, ऐसा थोड़ी होता है. नहीं, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं इसका आंसर जरूर दूंगा. जिस दिन कोई अच्छी सी हॉट लड़की पूरी दुनिया की हटके सबसे हॉट लड़की मुझे अगर पूरा अटेंशन देगी तो मैं वैसा एक्सप्रेशन दूंगा. ऐसा हुआ ही नहीं ना कभी. कभी होता तो फिर मैं जरूर आपको बता सकता था कि मुझे क्या विजन आया था, तभी तो मैं अभी आपको दे सकता था. तो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त फैजू ने जो ये कमेंट किया है कि इनके ऊपर अभी तक किसी भी हॉटेस्ट लड़की का अटेंशन नहीं हुआ है, क्या आप इन पे बेट लगा सकते हैं कि इन्होंने ये बात सही कही है? क्या बोलूं भाई? भाई मेरे से क्या पूछो, आप बताओ आपके हिसाब से. जिस तरीके से इनके फैन है और जो फॉलो कर रहा है इनको, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी है. झूठ बोल रहे हैं फैजू भाई. अरे क्या अभी भाई? अच्छा मैं जानना चाहूंगा अभी भाई से, क्या आपको क्या ऐसा झूठ लगा भाई? आप इसमें ऐसा झूठ क्या लगा आपको? अभी फैजू भाई ट्रेंडिंग में हो भाई, तो ऐसा तो हुआ ही होगा भाई लाइफ में. तो मतलब मैं हेडशॉट बोल रहा ट्रेंडिंग में, तो मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा मेरे साथ. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ हुआ नहीं है. मतलब आपने कहा, आपके क्वेश्चन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया से हटके एकदम हॉट लड़की जो मुझे देखेगी तो मेरा क्या एक्सप्रेशन रहेगा या मेरा क्या रिवॉर्ड रहेगा उसके लिए? तो अभी तक ऐसी कोई लड़की है? अरे कोई बात नहीं, तो ऐसी कोई लड़की आई नहीं अभी तक जिसके लिए मैं अपना एक्सप्रेशन दूं.